बीमार की बीमार के पास जाना बीमार की तीमारदारी का स्वाब क्या है खैर एक मिसाल देता हूँ समझने के लिए एक हदीस है नबी अक्रम सोल्ला नमाज पढ़ा रहे आपने समी हमीदा कहा तो रबना हम नाम से हम बोलते हैं लेकिन एक सहाबी ने आगे इजाफा किया और क्या पढ़ा हमदन कसीरन रबनाबन फी ये पढ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी सलाम फेरा और कहा तुम में से किसने ये दुआ पढ़ी अभी हमदन तो एक रब्बान ने कहा मैंने पढ़ी तो कहा मैंने थर्टी एंजल्स तीस फरिश्तों को दौड़ते हुए देखा वो लिख रहे थे इन अल्फाज मतलब अल्लाह के रसूल ने सेंकशन कर दिया कि ये पढ़ा जा सकता है और पढ़ना चाहिए तो वैसे लोग पढ़ते हैं ना नमाज में ये रब्बान पढ़े भी तो काम हो जाता है रब्बान भी पढ़े तो हो जाता है लेकिन ये भी पढ़ना चाहिए जो कि इसमें आपसे उन्होंने कहा तीस फरिश्तों ने लिखा तो ये बात आपको समझ में आ गई तो आपने क्या किया पढ़ना शुरू कर अक्सर लोग ऐसे ही करते ना पढ़ते माशा अच्छी बात है ऐसे होना चाहिए हर अमल का अब आई एक दूसरी हदीस जिसको बुनियादी गणित मैथ्स आता है ना तो कंपेयर करेंगे इस हदीस से दूसरी हदीस को इस हदीस में जब बंदा सुबह किसी बीमार की तीमारदारी को जाता है तो सुबह से लेकर शाम तक और अगर शाम में जाता तो शाम से लेकर सुबह तक सत्तर हजार फरिश्ते दुआ करते हैं सेवेंटी थाउजेंड एंजल्स उसके लिए दुआ करते कितने तीस फरिश्ते भागे आप दुआ पढ़ रहे हैं अच्छी बात है करना चाहिए सत्तर हजार फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं आपका और मेरा कहां है हम से विजिट करने का स्वभाव है ये तो आप बीमार के लिए बीमार कुर्सी का सामान बीमार के इलाज के तरीका बीमार के लिए गाइडेंस बीमार को दवा पहुंचाना बीमार को उसकी बीमारी से शिफा के लिए कोशिश करना बीमार के लिए अस्पताल डालना बीमार के लिए सुपर स्पेशलिटी डालना बीमार के लिए करना जब खाली जाना सेवेंटी थाउजेंड एंजल्स की मकफुरत की दुआ और फरिश्ते अल्लाह के सबसे नजदीकी मखलूक याद रखिये ये अल्लाह के हुक्म अगर कुछ नहीं करते इनकी दुआएं रद्द नहीं होती याद रखिए फरिश्तों की दुआएं जिनके लिए वो कामयाब हो जाता है याद रखिए सत्तर हजार फरिश्ते सिर्फ आपके जाने विजिट करने पर दुआ दे रहे हैं बाकी सारे काम तो अभी इससे ऊँचे ही है ना खाली विजिट कर रहे हैं कैसे आप अच्छे हैं क्या अल्लाह आपको अच्छा रखिए अल्लाह आपको शिफा दे अल्लाह आपको ये करे तो मेरे पास एक मशुरा देखिए आप मान सकते हैं तो देखिए फुला और आप आ गए ये खाली इतना किया तो सुबह से शाम तक कुछ असलाफ के वाकई से है कि अगर मग़रब का वक्त हो जाता तो बोलते रुक जाओ मगरब के बाद जाएंगे चूंकि शाम से सुबह तक दुआ है ना तो क्यों इतना कम टाइम का फिर मग़रब के बाद जाते तो फिर सुबह तक शामिल हो जाता है ना इंसान मग़रीब के टाइम पर शाम होना शुरू हो जाती है रात होना शुरू हो जाती है शाम से सुबह तक अस्सलाम वालेकुम आप भी हमारे इस काम में तौन करें अपनी zakat और sadaqat के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सब आपके हकदार बने रोजाना हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें जज़ाकअल्लाह